हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम बनाएंगे बेसन की भरवा मिर्च। और आज हम बहुत ही टेस्टी और आसान तरीके से इतनी टेस्टी बेसन की भरवा मिर्ची बनाएंगे कि आप सब्जी खाना भूल ही जाएंगे और बार बार इस तरीके से ये भरवा मिर्ची बनाकर ही तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बेसन की भरवा मिर्ची बनाना। बेसन की भरवा मिर्ची बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर ये बड़ी वाली जो मिर्ची आती है ना, वो ले ली है। ये इस तरीके से जो मोटी मिर्ची आती है वो हमने ली है। मिर्ची को हमने अच्छे से धो लिया है और अच्छे से ये साफ़ कर लिया है मिर्ची को हमने। और उसके बाद मिर्ची के बीच में हम इस तरीके से चीरा लगाएंगे। चीरा हमें आर पार नहीं लगाना है, इस तरीके से एक तरफ से हमें इस तरीके से चीरा लगाना है। आप चाहे तो इसके अंदर इससे बीज निकाल भी सकते हैं, लेकिन इसके अंदर इतने ज़्यादा बीज नहीं होते हैं और ना ही ये ज़्यादा तीखी होती हैं, तो बीज को आप ऐसे ही रहने दें। और सारे मिर्ची के अंदर हम इस तरीके से चीरा लगा देते हैं, कट लगा देते हैं। तो फाइनली सारी मिर्ची के अंदर हमने इस तरीके से कट लगा दिए हैं, चीरा लगा दिए हैं। तो मिर्ची तो हमारी तैयार है, अभी हम बेसन भूनकर तैयार कर लेते हैं। उसके लिए गैस पर एक कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में हम डाल देते हैं एक छोटा चम्मच तेल। और उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं एक कटोरी बेसन। और आज हम बेसन की भरवा मिर्ची बना रहे हैं, तो बेसन आप भर के ही डालें। और बेसन को हम अच्छे से भून लेते हैं, अच्छे से इसको सेक लेते हैं। कंटिन्यू चम्मच हिलाते हुए बेसन को अच्छे से भून लें। और अभी आप देख सकते हैं बेसन का कलर हल्का सा चेंज होने लग गया है और बेसन हमारा भूनकर तैयार है। तो इससे ज़्यादा हमें बेसन को नहीं भूनना है, वरना बेसन जल जाएगी। तो बेसन को अभी हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं। सारे बेसन को हमने निकाल दिया है एक कटोरी में। और उसके बाद इस बेसन के अंदर जो छोटी छोटी ये जो गाँठे हैं, ये जो गुठली हैं, इनको हम एक चम्मच की सहायता से तोड़ देते हैं। तो बेसन हमारा एक समान हो गया है। और अभी हम इसके अंदर डालेंगे मसाले। आधा चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देते हैं और 3 से 4 चम्मच हम इसमें पिसा हुआ धनिया पाउडर डालेंगे। धनिया पाउडर आप थोड़ा ज़्यादा ही डाल लें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। 1 छोटा चम्मच हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्ची डाल देते हैं। स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक डालेंगे। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर 1 बड़ा चम्मच। उसी के साथ ही हम इसमें डालेंगे इसका टेस्ट बनाने के लिए कद्दूकस किया हुआ लहसुन। और साथ ही में हम इसमें डाल देते हैं पुदीने और भुने हुए जीरे का पाउडर। इन सब मसालों को हम अच्छे से मिला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं बेसन के साथ। मसालों को हमने अच्छे से मिला दिया है, मिक्स कर दिया है। तो अभी ये आपको सूखा लग रहा होगा, तो आप चाहे तो इसके अंदर पानी डाल सकते हैं, नींबू का रस डाल सकते हैं इनको गीला करने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पर डालूँगी दही। दही से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और खट्टास आ जाएगी इसके अंदर। तो 4 छोटे चम्मच हम इसमें दही डाल देते हैं। अगर आप दही लाइक नहीं करते हैं तो आप नींबू का रस डाल सकते हैं, पानी से भी इसको हल्का सा गीला कर सकते हैं। दही डालकर हम दही को भी अच्छे से इसके साथ मिला लेते हैं। हाथ से हम अच्छे से इसका एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। और इस तरीके से हमने बेसन के साथ सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया है, अच्छे से मिला दिया है। तो ये हमारा मिर्ची में भरने के लिए ये बेसन का मसाला बनकर तैयार है, ये बेसन का मिक्सर तैयार है। और अभी हम इस मिक्सर को इन मिर्ची के अंदर भर लेते हैं। तो इस तरीके से हम मिर्ची को हल्का सा चपटा करते हुए इसके अंदर ये बेसन वाला मसाला भरेंगे। अच्छे से इसके अंदर भर दें। बेसन भरने में, मिर्ची के अंदर बेसन भरने में आप कंजूसी ना करें, क्योंकि बेसन हमारा खूब सारा है। तो अच्छे से इसको पूरी तरह से ऊपर तक अच्छे से भर दें, क्योंकि मिर्ची भी काफ़ी बड़ी है। तो अच्छे से बेसन को इसके अंदर भर दें।
और इस तरीके से हम सारे मिर्ची के अंदर ये बेसन वाला मसाला भर लेते हैं। एक बार आप मेरे बताए हुए इस तरीके से ये बेसन वाली मिर्ची बनाकर जरूर खाना। आप मिर्ची की सब्जी या सब्जी खाना ही भूल जाएंगे और इस तरीके से ये बेसन वाली मिर्ची बनाकर रोज खाएंगे। और इस तरीके से हमने सारे मिर्ची के अंदर ये बेसन भर दिया है और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी दिख रही है हमारी ये मिर्ची। और अभी हम इन मिर्ची को फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए गैस पर एक दूसरी कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में हम डाल देते हैं 3 चम्मच तेल। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम डाल देते हैं राई। राई को हल्का सा चटकने देते हैं और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये हमारी बेसन वाली मिर्ची, जिनको हमने अच्छे से बेसन से भर दिया है। तो ये सारी मिर्ची को हम डाल देते हैं कढ़ाई के अंदर और धीमी आंच पर हम इन मिर्ची को अच्छे से तलेंगे। एक बार हल्का सा इनको मिला लेते हैं और उसके बाद हम ढक्कन लगाकर इसको धीमी आंच पर अच्छे से पकने देंगे। 5 मिनट बाद हम चेक कर लेते हैं तो मिर्ची हमारी अच्छे से नीचे से एक साइड से पक चुकी है। तो इनको हम पलट लेते हैं और दूसरी साइड से भी इनको अच्छे से पका लेते हैं। पलटते हुए हम मिर्ची को अच्छे से पका लेंगे। जब तक मिर्ची हमारी अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए तब तक हम इनको इस तरीके से पकाएंगे। तो फिर से ढक्कन लगाकर हम फिर से 2 से 3 मिनट तक इनको पकाएंगे। ध्यान रहे धीमी आंच पर ही पकाना है। तो फाइनली अभी आप देख सकते हैं मिर्ची का हमारा अच्छा से गोल्डन कलर आ चुका है और मिर्ची हमारी अच्छे से भुन चुकी है, अच्छे से ये तल चुकी हैं। तो इससे ज़्यादा हमें इनको नहीं पकाना है। कुछ सेकेंड के लिए हम इनको ऐसे ही मिलाते हुए अच्छे से पका लेते हैं ताकि कहीं से कच्ची रह गई हो तो भी वो पक जाए। तो फाइनली मिर्ची हमारी बनकर तैयार है और आप देख सकते हैं बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी हमारी ये बेसन की भरवा मिर्ची दिख रही है और अच्छे से ये फ्राई हो चुकी हैं, अच्छे से ये हमारी पक चुकी हैं। तो इनको अभी हम सर्व कर लेते हैं एक प्लेट में। तो लीजिए बेसन की भरवा मिर्ची हमारी बनके तैयार हो चुकी हैं। आप भी ज़रूर बना के ट्राई करें और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के, तब तक मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।